अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में हम ब्लैकबेरीज मेंसवेयर शर्ट का रिव्यू करेंगे। मैंने एक साल पहले ब्लैकबेरीज मेंसवेयर का शर्ट परचेस किया था, जो मैंने आज पहना भी है। जो मैंने मरून कलर का ये शर्ट परचेस किया था डॉटर प्रिंट्स वाला, तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। एक साल से मैं ये शर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आफ्टर यूसेज, आफ्टर वॉश इसकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले हर एक व्यूअर में क्वेश्चन होता है इसके कलर का, कि इसके यूज़ के बाद क्या कलर फेड होता है, कलर जाता है, कलर धुल जाता है तो वॉश करते हैं। तो जी नहीं, मैंने एक साल इतना यूज़ किया, इतना पहना, लेकिन फिर भी इसकी कलर क्वालिटी डाउन नहीं होती है, कलर वॉश नहीं होता है जब आप इस शर्ट को वॉश करते हैं। मैंने एक साल पहले जब जो शर्ट जैसा लिया था और अभी भी पहन रहा हूँ, फिर भी इसकी कलर क्वालिटी हाई है। एक साल यूज़ करने के बाद भी ये शर्ट नया लगता है। अभी भी मैं पहनकर जाता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पुराना शर्ट होगा। और बात करें इसके प्रिंट्स की, तो मैंने डॉटेड प्रिंट्स का एक मरून कलर का ये शर्ट लिया है, तो इसके प्रिंट्स की क्वालिटी भी अच्छी है। बात करें इसके बटन्स की, तो बटन्स भी अच्छे हैं और लेफ्ट साइड एक पॉकेट दिया हुआ है। अंदर के साइड व्रिंकल फ्री ऐसा लिखा हुआ है, ब्लैकबेरी का भी लोगो है। और मैंने एल साइज़ का ये शर्ट परचेस किया है, ये स्प्रेड कॉलर का शर्ट है। और अंदर की क्वालिटी भी इस शर्ट की बहुत ही अच्छी है, आगे का लुक, पीछे का लुक बहुत ही अच्छा है, कलर क्वालिटी इसकी हाई है। कलर के मामले में कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं। और मैं बता दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। बात करें इसके फिट की, तो इसका फिट भी बहुत ही अच्छा है, ये स्लिम फिट का ये शर्ट है। और बात करूँ, ये अभी तक मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि सिलाई टूट गई, ऐसा फट गया, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसका फिट भी बहुत ही अच्छा है, नाइस लुक देता है ये शर्ट। और बात करें इसके फैब्रिक की, तो इस शर्ट में सबसे अच्छा कोई मुझे चीज़ लगती हो तो वो ये फैब्रिक है, क्योंकि कॉटन का ये फैब्रिक है और फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा है, लेकिन बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। ओवरऑल यही कहूँगा कि ये शर्ट पूरा अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। इतना अच्छा शर्ट है तो इसकी प्राइस भी बहुत हाई होगी। जब मैंने एक साल पहले ये शर्ट ख़रीदा था, तो ये शर्ट मुझे करीबन 2200 रुपये में पड़ा था आसपास। मुझे ओरिजिनल प्राइस तो याद नहीं, लेकिन 2200 रुपये का पड़ा था। तो प्राइस हाई है, लेकिन क्वालिटी भी हाई है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ब्लैकबेरी मेंसवेयर से आप कुछ भी आप परचेस करते हैं तो उसकी प्राइस हाई होती है, लेकिन प्राइस हाई होने के कारण वो क्वालिटी भी बहुत ही हाई होती है। मैंने ब्लैकबेरी से बहुत कुछ परचेस किया है, मैंने एक पैंट भी परचेस किया है, तो कल भी उसका वीडियो आएगा कि पैंट की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। मैं 5 स्टार में से नहीं, लेकिन 10 स्टार में से आप इस शर्ट को कितना देंगे, तो मैं कहूँगा 10 में से 10 इस शर्ट को दूंगा।